तो यार बहुत सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि क्या वेब डेवलपमेंट इवेंचुअली खत्म हो जाएगा, सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, क्या वो लोग जो आज की तारीख में HTML, CSS, JavaScript या फिर रिलेटेड फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, क्या उन लोगों की डिमांड जीरो हो जाएगी। एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ऑटोमेट भी चीज़ें हुई तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें कितनी ऑटोमेट होंगी। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करूंगा और आऊंगा सबसे पहले HTML के अंदर। HTML इन माय ओपिनियन काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाएगी और काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो चुकी है। अगर आप लोग देखें तो आजकल JPG टू HTML, PSD टू HTML जैसे टूल्स आजकल बहुत आम हो गए। अगर आप एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के देते हैं एक इमेज में, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स बन चुके हैं जो कि आपको उसकी करस्पॉन्डिंग HTML लिख कर दे देंगे। और उन टूल्स को बनाना बेहद सिंपल है, आप चाहें तो खुद बना सकते हैं। थोड़ी सी इमेज प्रोसेसिंग करना है, डिटेक्ट करना है कहाँ पर इनपुट बॉक्स होगा, कहाँ पर इमेज होगी, कहाँ पर टेक्स्ट होगा, और आपको करस्पॉन्डिंग पैराग्राफ टैग या फिर इमेज टैग या फिर डिव टैग वो आउटपुट करा देना है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर यहाँ पर आपने मशीन लर्निंग लगा दी तो गेम जो है नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो HTML एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाएगी। अब मैं आऊँगा CSS पर। CSS में प्रॉब्लम क्या है ऑटोमेट करने में कि आपको चीज़ें सटीक चाहिए होती हैं। अगर मैंने एक वेब पेज बना दिया और मैं कहता हूँ आपसे कि यार इसकी CSS ऑटोमेटिकली जनरेट करो एक इमेज को देखकर, तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है अगर आप थोड़ा सा भी सोचें इसके बारे में। हाँ मैं एक अप्रॉक्सीमेट सा पेज तो बना दूंगा, लेकिन अगर आप एक बड़े बिजनेस हैं या थोड़ा सा भी डिज़ाइन को लेकर सीरियस हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि आप एग्जैक्टली एक इमेज से CSS आउटपुट नहीं करा सकते। वहाँ पर आपको एक वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैनुअली यहाँ तो ऑटोमेट की हुई चीज़ों को ठीक करेगा या शुरू से उसको बनाएगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा और इस तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन में अच्छे डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी के साथ साथ ये चीज़ मेरे हिसाब से 100% तो ऑटोमेट जल्दी नहीं होने वाली है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना उसे पता है जो कि कहता है कि उसको सब कुछ पता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन इन जावास्क्रिप्ट की। मेरे हिसाब से कस्टमाइजेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, तो उसमें लगता है दिमाग, उसमें लगता है लॉजिक। और लॉजिक जो होता है कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। हम सबको पता है कंप्यूटर इज अ डम मशीन, ऑटोमेशन किया जाता है कंप्यूटर की सहायता से, एंड कंप्यूटर इज अ डम मशीन। तो यहाँ पर काम आने वाला है आने वाले टाइम में भी और लंबे दौर तक इंसानों का दिमाग। तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड की हो या बैक एंड की हो या फिर कितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखी जा रही है, मेरे हिसाब से ऑटोमेट करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और जावास्क्रिप्ट का ऑटोमेशन HTML जितना आसान तो कभी होने ही नहीं वाला। अब मैं आऊंगा यहाँ पर फ्यूचर ऑफ बैक एंड पर कि जो बैक एंड लिखा जाता है जैसे कि पाइथन में या फिर आप लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में या जैसे जावा में भी अगर आप लोग एक बैक एंड लिख रहे हैं तो क्या वो चीज़ ऑटोमेट की जा सकती है। देखो यार एक हद तक ऑटोमेट की जा सकती है। अगर आपको एक बहुत ही सिमिलर सी चीज़ चाहिए तो वो आपको बनी बनाई मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, आप कहते हो कि यार जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मुझे कुछ बना बनाया दे रहे कोई, That is going to be really very difficult. आपको directly बनी बनाई चीज़ नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आप लोगों को चाहिए होगा human का दिमाग, human intervention, और मेरे हिसाब से backend development भी automate नहीं होने वाला। लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारे steps को automate किया जाएगा, fast किया जाएगा, तो जो process होती है उसको easy time to time बनाते रहा जाएगा। जहाँ time लगता था शायद 3 घंटे में, वहाँ आपके manager की expectation बढ़ जाएगी कि यार जो काम पहले 3 घंटे में होता था वो 1 घंटे में करेगा। तो इस तरह के इंप्रूवमेंट्स तो बने रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग का काम करने का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार जो काम पहले 3 घंटे में करता था वो कट के 1 घंटे में हो गया, तो मेहनत ज्यादा लगेगी। नहीं यार, मेरे हिसाब से ये टूल्स अगर आपके मैनेजर की हेल्प करेंगे, अगर वहां पर आप लोगों को ईज देंगे, तो आपको भी ईज जरूर से मिलेगी, आपका भी कहीं ना कहीं काम जरूर से आसान होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप लोग स्ट्रैपी का नाम आपने सुना है, हेडलेस CMS है, तो ये क्या करता है कि आपको बिल्ट इन APIs ऑलरेडी बनाकर दे देता है। अगर आपने कोई भी एक मॉडल बनाया, लेट अस से मैंने यूजर नाम का एक मॉडल बनाया स्ट्रैपी के अंदर, ठीक है, तो मैं उसके अंदर यूजर का नाम स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि एक स्ट्रिंग होगी या टेक्स्ट होगा, मैं ईमेल स्पेसिफाई कर सकता हूँ और मुझे फ्री में मिल जाएगा ईमेल वैलिडेशन, मैं यहाँ पर फोन नंबर वैलिडेट करवा सकता हूँ, देख सकता हूँ कि यार फोन नंबर मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये सारे वैलिडेशन के साथ मुझे एक API मिल जाएगी और ये API मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करने के लिए। तो ये कमाल की चीज़ है, आपको सिंपली एक डैशबोर्ड के अंदर जाकर पूरा बैकएंड मिल जा रहा है एक तरह से। तो इस तरह की चीज़ें बनती रहेंगी टाइम टू टाइम। बट अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसी
कि यार मैंने एक कागज पे लिख के दे दिया मुझे ये चाहिए और मुझे कोई आउटपुट लाकर दे दे कि भाई ये रहा आपका आउटपुट, ये रही google.com जैसे कि जैसी है वैसे के वैसी यहाँ पर आपको मिल गई, तो वो चीज़ यार बहुत मुश्किल होने वाली है। दिमाग लगेगा हर चीज़ में, हर स्टेप पे लगेगा, हर चीज़ें ज़रूर आसान होती जाएंगी। तो मेरे पास बहुत सारे लोग डाउट लेकर आते थे कि यार क्या हमें वरी करने की ज़रूरत है, क्या ये चीज़ ऑटोमेट होगी, क्या वो चीज़ ऑटोमेट होगी। तो हियर इज़ माई आंसर, ऑटोमेशन एक लेवल तक ही पॉसिबल है और आने वाले टाइम में, यानी कि जब मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में, मैं 10 से 15 साल सेफली कहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट का करियर टोटली सेफ है। आप वेब डेवलपमेंट में जाएँ, मेहनत करें और डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।